हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में दोस्तों, जो कि जिसका पूरा बिजनेस दोस्तों इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है। इंटरनेट के ऊपर ये दोस्तों बहुत सारा कामकाज करती नज़र आती है दोस्तों। कमाल के रिटर्न अब तक निवेशकों को बना के दिए और आज के दिन भी शानदार तेज़ी बनती देखी गई है। तो आँख बंद करके आप पैसा लगाइए, बहुत बड़ी वेल्थ आप बना सकते हैं स्टॉक से। आ चुका हूँ मैं दिग्गज स्टॉक के ऊपर, जिसके बारे में मैंने बोला है कि दोस्तों रिटर्न के मामले में इसका कोई जोड़ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कमा के देता है निवेशकों को। तो इसकी शुरुआत करेंगे स्टॉक की CAGR, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो 10 साल में दोस्तों 33% की CAGR रही है, 5 साल में 42%, 3 साल में 49%, और इस साल करीब 62% की CAGR से स्टॉक बढ़ रहा है। तो स्टॉक दोस्तों बहुत ही लाजवाब है, बिजनेस भी इसका बहुत ही शानदार है। गिरावट में यदि आपको स्टॉक मिले तो बिल्कुल ऐड करना है दोस्तों, इसमें कोई भी आपको शक नहीं होना चाहिए। मात्र और मात्र दोस्तों बहुत ही मामूली सा डेट है। फिलहाल बात करें अगर कंपनी के रिजर्व प्राइस की बात, तो 2009 में इसके पास 295 रुपया रिजर्व था, 295 करोड़ रुपया का रिजर्व था, जो कि बढ़ के दोस्तों 4,335 करोड़ रुपया इसके पास फिलहाल रिजर्व है। और यदि बात करें बोरोइंग मतलब डेट की, तो मात्र 70 करोड़ का डेट है, जो कि ना के बराबर दोस्तों इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों बहुत ही शानदार फंडामेंटल वाइज कंपनी है, कि कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे सुधार होते चले जा रहे हैं। FII लगातार इसमें खरीदारी भी कर रहा है, तो आप इस स्टॉक को नज़र में रख सकते हैं। बड़ा पैसा अभी तक इसने हमेशा ही बनाया है, और आगे भी ऐसी उम्मीद लग रही है कि अच्छा पैसा बनाएगा। आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। उससे पहले जो भाई लोग पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब कर लें तो हमारा हेल्प हो जाएगा थोड़ा, और आपको भी अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्रमोटर की होल्डिंग देख लीजिए, ये दोस्तों दिसंबर क्वार्टर तक का डिटेल आ चुका है, करीब 38.47% की है। FII ने होल्डिंग 39.16 से बढ़ा के 40.54 कर ली है, 1.5% की होल्डिंग बढ़ाई है। DII ने दोस्तों करीब करीब आधे 1% की होल्डिंग घटा ली है, 11.44% की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ा ली है, 9.39 से 9.48% हो गई है। अदर की होल्डिंग दोस्तों 0.15 से 0.11% की स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। तो आप बस वीडियो में बने रहिए, आपको स्टॉक का नाम भी बताऊंगा। आज के दिन बहुत ही लाजवाब स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। आइए स्टॉक का नाम आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको दिखाते हैं स्टॉक की रिटर्न की प्रोफाइल। तो दोस्तों आ चुके हैं अभी दिग्गज स्टॉक की रिटर्न की प्रोफाइल के ऊपर। आज के दिन स्टॉक करीब करीब 7% चला है, एक हफ्ते में 2.46% डाउन। महीने भर की बात करें तो 2.28% तेज रहा है, 3 महीने में 36.92% के रिटर्न, बीते 6 महीने में 52.23% चला है। 2021 में अब तक ये 2.21% की रैली कर चुका है, बीते 1 साल में दोस्तों 81.72% के रिटर्न है। वहीं 2 साल में 181% से ज़्यादा के रिटर्न, 3 साल में 255% से अधिक रिटर्न, 4 साल की बात करें तो 486% के रिटर्न है, 5 साल में 532% के रिटर्न, और 10 साल में दिए हैं 1680% के। बहुत ही लाजवाब स्टॉक ने रिटर्न कमा के दिए हैं। चलिए अभी आपको स्टॉक का नाम बताते हैं और आज कैसा कारोबार हुआ वो भी बताएंगे। तो दोस्तों स्टॉक का नाम आपके सामने आ चुका है, बात हो रही Naukri.com मतलब InfoEdge इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड हैं दोस्तों इसके, जिसमें एक काम करे, एक तो Naukri.com है आपको पता है, 99acres आपको पता है, रियल एस्टेट से संबंधित। JeevanSathi.com पे भी काम करी, साथ ही साल दोस्तों Shiksha.com के लिए भी एजुकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली बहुत ही लाजवाब कंपनी है। और आपको पता है Zomato के साथ भी इसका एक बहुत बड़ा ज्वाइंट वेंचर है, और आगे आने वाले समय में Zomato का स्टॉक भी की भी लिस्टिंग आपको होते हुए देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, हर गिरावट में आप इस स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आइए चलेंगे अभी आपको दिखाते हैं आज कैसा मोमेंटम रहा स्टॉक में। तो दोस्तों InfoEdge का स्टॉक आज बहुत ही लाजवाब तेज़ी बनती देखी, लगभग 7% की तेज़ी रही जैसे मैंने आपको बताया। तो इस स्टॉक को अपने नज़र में आप जरूर रखिए, गिरावट के मौके मिले तो ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपको बहुत अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है, और हमेशा इसने पैसा बहुत ही शानदार अपने निवेशकों को कमा के दिया। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।